वेदिका किचन किंग में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मक्के के आटे से बनी हुई रेसिपी काफी पसंद की जाती है, और इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं मक्के के आटे से बनी हुई एक अलग रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम मक्के का आटा ले लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल लेंगे और थोड़ा सा हम नमक डाल लेंगे और गर्म पानी से हम आटे को गूंथ के तैयार कर लेंगे। मक्के के आटे को हमेशा हल्के गर्म पानी से ही गूंथना चाहिए। देखो, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसको यूं ही मिलाते रहेंगे। मक्के के आटे को गूंथने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, आटा हमारा गूंथ के तैयार है। देखिए, इसी तरीके का आटा होना चाहिए। अब हम इसे ढककर छोड़ देते हैं। अब हम उबले हुए आलू को छील लेते हैं। आलू हमने पहले से उबाल के रख लिया था। आलू भी हमारा छील चुका है। अब हम प्याज काट लेंगे बारीक बारीक। अब हम टमाटर भी काट लेंगे। धनिया पत्ती भी काट लेंगे। चूल्हे पर कढ़ाई रख लेती हूँ। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है। इसमें डालते हैं तेल। थोड़ा सा हम जीरा डाल लेंगे। हींग डाल लेते हैं। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल लेंगे। इसको चला लेते हैं और दो हरी मिर्च भी डाल लेंगे। कटा हुआ प्याज भी डाल लेते हैं। इसको हल्का भून लेते हैं जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा। देखिए, प्याज हमारा भून चुका है। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल लेंगे और इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। अब डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक। आधा चम्मच डालेंगे सब्जी मसाला। आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। और इसको अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे, नहीं तो मसाला हमारा चिपक जाएगा। और फिर से हम इसको चला लेंगे।
जब तक हमारा मसाला भून रहा है इधर हम आलू को फोड़ लेते हैं। आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब हम इसमें आलू डाल लेते हैं। और इसको यूं ही चला लेंगे। देखिए मसाला और आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि सब्जी में हमारी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। और इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं। देखिए सब्जी में काफी अच्छा उबाल आ रहा है। अब हम डालते हैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर। थोड़ा सा हम डालेंगे कस्तूरी मेथी, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी में। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है। देखिए सब्जी देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। सब्जी हमारा बन के तैयार है। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। थोड़ा सा हम धनिया पत्ती डाल लेंगे, जिससे सब्जी देखने में भी अच्छा हो जाएगा और खाने में भी स्वादिष्ट हो जाएगा। फिर से हम कढ़ाई रख लेते हैं। कढ़ाई में हम डालते हैं रिफाइंड ऑयल। देखिए अब हम चलिए आटे की तरफ देखते हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा थोड़ा आटा लेकर हम इसको देखिए इसी तरीके से हम हाथ में इसको गोल गोल बनाते रहेंगे। और इसी तरीके से हमें ठोक ठोक कर इसको कढ़ाई में डाल देना है, क्योंकि अगर हम इसे बेलेंगे तो वो टूट जाएगा। फिर से हम इसे पलट लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं हमारी मक्के के आटे से बनी पूरी तैयार है। देखिए आप देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और इसी तरीके से मैं और भी मक्के के आटे की पूरी बनाकर तैयार कर लूंगी। सर्दियों के मौसम में मक्के के आटे से बनी रेसिपी लोग काफी पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ नया बनाऊं। और मैंने मक्के के आटे से पूरी और आलू की सब्जी बना लिया, जो कि बहुत ही पौष्टिक पकवान है। और सर्दियों के मौसम में आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला रेसिपी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस रेसिपी को बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी बनी हुई रेसिपी यानी कि मक्के के आटे की पूरी और आलू की सब्जी कैसी लगी। इसे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। और एक खास बात का ध्यान रखना है, जब हम इसका आटा गूंथेंगे तो ना ज़्यादा बहुत ही सख्त होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ही नरम होना चाहिए। देखिए सारी पूड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। और आलू की सब्जी भी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।